और मैं हूं नूर शेखावत। हर पुरुष के भीतर एक स्त्री का एहसास होता है, उसी तरह हर स्त्री के भीतर एक पुरुष का एहसास होता है। लेकिन कितना अच्छा हो कि आप अपने अंदर एक स्त्री और पुरुष दोनों को ढूंढकर उसका एहसास करें। आज हम समाज के उस वर्ग के विषय में बात कर रहे हैं जिसे समाज में आज तक समाज का दर्जा नहीं मिला। जी हाँ, आज हमारे साथ नगर बैठक में वो शख्स मौजूद है जिसने कई उतार चढ़ाव पार करते हुए एक अलग पहचान बनाई और एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। आज हमारे साथ मौजूद है नूर शेखावत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका द नगरी न्यूज में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही कि हम अभी की नूर शेखावत के बारे में तो जानते हैं, लेकिन आप हमें बताएं कि पहले की नूर शेखावत क्या थी और कैसे यहाँ तक पहुंची। देखिए, नूर शेखावत को अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने से जाना जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एग्जिस्टेंस नहीं था, मेरा एग्जिस्टेंस था, बट पिछले एक महीने में जैसे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट आया जो कि स्टैटिक्स डिपार्टमेंट ने मुझे दिया था, उसके बाद से वो मीडिया में हाईलाइट हुआ, फिर मुझे लोग बाग वहाँ पे जाने लगे। क्योंकि पहले वो चीज़ थी कि पहले वो राजस्थान का ही फर्स्ट ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट था, बट वेन यू कम टू नो लाइक अगर आप डेटा देखेंगे तो इंडिया में ही फर्स्ट ट्रांसजेंडर का बर्थ सर्टिफिकेट था। तो मेरे को वो एक चीज बहुत ज्यादा चौंकाने वाली लगी कि ये मेरे लिए तो अचीवमेंट है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मतलब क्या जो बाकी ट्रांसजेंडर्स हैं वो ऐसा तो है नहीं कि वो आसमान से आए हैं या जमीन से निकले हैं। और जैसा कि आप देखेंगे कि जब मुगल आए और गए, ठीक है, ब्रिटिश आए और गए, ठीक है, हमारे एग्जिस्टेंस तब भी था, हमारा एग्जिस्टेंस आज भी है। आप पुराने से पुराने ग्रंथ उठा के देख लीजिए, चाहे वो रामायण हो, गीता हो, महाभारत में श्रीखंडी है, ठीक है, तो हमारा एग्जिस्टेंस तब से ही था। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक आवाज थी ना, वो कहीं ना कहीं दबी भी थी, वो एक उस आवाज को आपने कैसे उठाया? जब आपने उस आवाज को उठाने के बारे में सोचा तो क्या क्या ख्याल आपके दिमाग में आए? देखिए, आज से ठीक एक साल पहले मेरी जिंदगी में एक शख्स आए, मिस्टर शिवराज गुर्जर, जो एक्चुअली पीएचडी कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स पे यूनिवर्सिटी से ही। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई उनकी थीसिस के दौरान, वो थीसिस लिख रहे थे, तो मैं उनका पहला केस थी। मैंने उनसे एक बात शेयर करी क्योंकि अभी एक साल पहले तक क्या था ना, अभी एक साल पहले तक नूर जिसको आप देख रहे हैं वो आज से एक साल पहले बधाइयों पे जाती थी। जैसे आपने आम जन के आपके घरों में देखा होगा कुछ भी खुशी होती है तो उसमें किन्नर समुदाय के लोग आते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, तो वो ही काम मेरा था। मैं आप शुभ अवसरों पर, जितने भी शुभ अवसर होते हैं, त्योहार होते हैं, घर घर जाकर आप लोगों को आशीर्वाद देती है। कुछ लोग आपके इस आशीर्वाद को बहुत मानते हैं, कुछ लोग आपके इस आशीर्वाद का मजाक उड़ाते हैं, इसको लेकर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, समाज को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि समाज से मैं ये चाहती हूँ जितनी इज्जत, क्योंकि हमें एक देखा जाए तो हमें ईश्वर का दर्जा दिया गया है। हम किसी भी खुशी में जाते हैं क्योंकि हम जब भी हम किसी भी खुशी में जाते हैं तो आप देखेंगे वहां पे चाहे हम जात पात नहीं देखते, हम घर परिवार नहीं देखते, हमारे लिए अमीर गरीब सब एक बराबर ही है और हमें वहाँ इक्वल ही सम्मान मिलता है। लोग बाग हमारे पैर छूते हैं, हमको बहुत सम्मान देते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ये समाज से यही अनुरोध है, आग्रह है कि जो रिस्पेक्ट आप हमारे हमारे सामने करते हैं जब आप पे खुशी होती है, वो मैं ये चाहूंगी जब आपके वो तीन चार दिन खुशी के जब निकल जाए उसके बाद भी अगर आप लोग हमारा वही सेम रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारे लिए बहुत, मतलब वो एक सही में रिस्पेक्ट के तौर पे काउंट की जाएगी। आपकी स्कूलिंग से शुरुआत करते हैं, जब आप स्कूल में पढ़ रही थी तब आपको भी उन दूसरे बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाता था जैसे, या फिर आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था? नहीं, देखिए, जब मैं स्कूल में थी, बात करते हैं मेरे स्कूल टाइम की, तो स्कूल में क्या होता था ना कि स्कूल में मुझे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन स्टिग्मा फेस करना पड़ रहा था बीइंग अ ट्रांसजेंडर। बट वहाँ पे क्या था ना, शुरू से अगर हम शुरू करते हैं तो आज से ठीक जब नूर पैदा हुई थी, आज से ठीक 30 साल पहले 31 साल पहले जब नूर पैदा हुई थी तब नूर के घर में खुशियां नहीं थी, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी छुपाई गई, ठीक है, उसको एज अ मेल उसके डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए ताकि समाज से उसको छुपा के, सोसाइटी से उसको छुपा के रखा जाए, ठीक है। टाइम बढ़ता गया, समय के साथ परिवर्तन भी आया, बदलाव भी आया, मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा जब कि मैं एक पूर्णतः ना मैं पुरुष हूँ ना मैं पूर्णतः एक स्त्री हूँ, मैं क्या हूँ। काफी रिसर्च स्टडीज मैंने पढ़ी, काफी चीजों को मैंने, मतलब ये कहते ना कि मतलब ये देखा कि भाई क्या है, मतलब
क्या ऐसी चीज है जो मैं समझा नहीं पा रही हूँ, सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, जो मुझे रोक रहा है कि मतलब क्या मैं आम जनता की तरह, आम इंसान की तरह, मैं कुछ भी, मेरे बिहेवियर ही आप ले लीजिए कि बॉडी है, बॉडी कुछ और कह रही है, आपकी आत्मा कुछ और कह रही है, आपका ड्रेसिंग सेंस कुछ और कह रहा है, कि क्यों इतना वो होता है ना कि क्यों इतना कंफ्यूजन है मुझे को खुद को लेके, क्यों लोग मैनिपुलेट हो रहे हैं, एग्जैक्टली क्यों लोग मैनिपुलेट हो रहे हैं, क्यों मैं खुद को लेके मैनिपुलेट हो रही हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है समाज की तरफ से। फिर कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा, जब मैं अपने समुदाय के लोगों से मिली, मैं कहना समाज के लोगों से मिली, जब उनमें उठ के बैठी, तब मुझे लगने लगा कि हाँ मैं अकेली नहीं हूँ। एक होता है ना, एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है, एक आदमी का दर्द एक पुरुष ही समझ सकता है, वैसे ही सेम हमारा है, एक किन्नर का दर्द एक किन्नर ही समझ सकते हैं, हम किसी के सामने रो नहीं सकते क्योंकि बचपन से ही हमें ऐसे तो कह दिया। आपने अपने समाज के किन्नर से बात की तो उन्होंने हाँ, आपको सपोर्ट किया, उन्होंने आपका दर्द समझा, उन्होंने कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा बताया। हाँ देखिए, हमारे किन्नर समाज में ना हर एक का एक पौधा मिला होता है, हर एक को गुरु चेले की परंपरा हमारी शुरू से चलती आ रही होती है और हमारे में एक एरिया डिवाइडर होते हैं। मेरे जो गुरु हैं वो उदयपुर के रहने वाले हैं, मैं उनकी चेला हूँ, तो मैंने वहाँ पे कम से कम देख लिया, 2017 से मैं अलग हो गई थी, मैंने वहाँ पे बधाइयाँ मांगी हैं, ठीक है। तो मेरा वो जो जर्नी रही है वो बहुत अच्छी रही है, जैसे कहते ना कि एक गोल्डन टाइम जो मेरी लाइफ का रहा है, क्यों, क्योंकि उस टाइम मैं अपने आप को जी पा रही थी, मैं अपने आप को अपने आप से पहचान पा रही थी कि मेरी क्या लैंगिक गोल्डन टाइम में आपने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किए। उस गोल्डन टाइम में मैंने बहुत से लोगों से कॉन्टैक्ट बनाए, लाइक कनेक्शंस बनाए, ठीक है, मतलब कई मेरी मुंह बोली माएं बनी, ऐसे मुंह बोले भाई बहन बने, तो मुझे कहीं ना कहीं फैमिली से आप आज भी कनेक्टेड हैं, उनसे मैं आज भी कनेक्टेड हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा था कि जो एक है ना, मतलब कि मैं अलग अपना को महसूस कर रही थी कि मैं अपने घर परिवार वालों से अलग हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एक दूरी थी ना वो खत्म होने लग रही थी मेरी लाइफ में। कहीं ना कहीं मुझे लगा था ठीक है, अगर वो लोग नहीं है मेरी लाइफ में तो एटलीस्ट यही है। कई बार तो आपको घर परिवार की कमी खटकती नहीं थी? घर परिवार की कमी मुझे शुरू में बहुत खटकती थी, इनफैक्ट अभी भी खटकती है। घर वालों से मेरी बात होती थी जब तक ये बर्थ सर्टिफिकेट का न्यूज़पेपर में मीडिया के थ्रू नहीं आया था। जैसे ही मीडिया में 19 तारीख को आया था मेरा बर्थ सर्टिफिकेट का, मैंने 20 तारीख को अनफॉर्चुनेटली भूकंप आ गया था सुबह। हाँ। तो मैंने जस्ट एक कंसर्न के लिए अपनी मम्मा को कॉल किया और भाई को पूछा कि आप लोग ठीक हैं, तो मम्मी ने ये चीज बोली कि तुम जैसे औलाद पैदा हो गए तो अब भूकंप तो आएगा, ये सच्चा मतलब हम मर जाते तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। उन्होंने फोन रख दिया। फिर वो दिन का दिन था और आज का दिन है, मैं रोज फोन करती हूँ, क्योंकि मेरी रोज का एक दिनचर्या बन गया था, ऑफिस से घर जाना, अपना खाना खा के मम्मी से रोज बात करना। बट वो दिन का दिन और आज का दिन है कि मेरी मम्मा से मेरी कोई बात नहीं हो रही है, मैं कॉल करती हूँ, पिक नहीं करते हैं। जब उन्होंने आपको ये चीज बोली के, तो उस टाइम उस एम्बेरसमेंट जो आपने फील किया, वो क्या फील किया, आपको क्या लगा कि आपको पीछे हट जाना चाहिए या फिर आगे खड़े होकर जो आने वाले मुश्किल है उनका सामना करना चाहिए? देखिए, बुरा तो मुझे बहुत लगा, मैं कम से कम 3-4 रात में सो नहीं पाई, मैं रोती रहती थी, मैं मतलब ये सोचती थी कि मैं अब मैंने ये चीज अच्छी की है या ये चीज अच्छे के लिए, क्योंकि मेरे को ना शुरू से ही ऐसा नहीं था कि मतलब कभी ऐसे में आगे आ पाऊंगी। मुझे लगा था कि शायद जैसे ही लाइफ जैसे जीवन व्यापन हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, शायद लाइफ लॉन्ग मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जब मैं जाती थी तो मैं देखती थी कि बाहर के क्षेत्र में हम देखें, ठीक है, जैसे कि आउट ऑफ राजस्थान देखते हैं, जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो और लाइक बैंगलोर हो, MP में भी आप देखेंगे तो कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, काफी सारा मैंने ये सब चीजें नोटिस करी और जब मैंने ये सब चीजें देखी कि आगे हमारी कम्युनिटी से आगे बढ़ रही है, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं मैं क्यों पीछे रहूं, मैं क्यों पीछे रहूं, या फिर मुझे ऐसा क्या है जो मुझे रोक रहा है। मतलब 2013 के बाद 12th पास के बाद आपका पढ़ाई से नाता छूट गया था। हाँ। अभी आपका पढ़ाई का सिलसिला वापस शुरू हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, पढ़ाई का सिलसिला वापस शुरू हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सेप्टेंस मुझे वापस मिलेगी या नहीं, वो इज्जत, मुझे इज्जत तो खैर मुझे उस टाइम पे नहीं थी, बट लेकिन उस एक्सेप्टेंस को लेकर आप इतनी डाउटफुल क्यों हैं अभी भी? मैं डाउटफुल इसलिए हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा समाज ना सिर्फ हमें देखता है तो सिर्फ एक बधाई के तौर पे ही देखता है, एक उसी श्रेणी से ही हमारा समाज जाना जाता है। अगर कहीं पे भी किन्नर की बात आती है, किन्नर की हो गई, जोगती हो, हम अलग अलग नाम से हमको बुलाया जाता है, किन्नर हो गए, जोगती हो गए, मंगला मुखी हो गए, अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से हमको बुलाया जाता है, लेकिन दिमाग में थॉट प्रोसेस दो क्या आता है, किन्नर नाम सुनते ही तालियां, नाचना, गाना, यही चीज आती है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा था कि मैं लोगों का माइंडसेट मुझे चेंज करना है। जैसे हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं अगर हम लोगों ने अगर आवाज उठाई है तो बड़े से बड़े जो
रीति रिवाज जो चलते आ रहे थे हमने उन पे रोक लगाई है। हम जैसे पर्दा प्रथा कह लें, हम जैसे फीमेल फिटिसाइड कह लें, हम जैसे बाल विवाह कह लें, हमने उन चीजों पे हम लोगों ने रोक लगाई है। तो क्यों ना इस चीज को भी माइंडसेट दूर करने में मेरा एक प्रयास रहेगा। अभी रिसेंटली आप देखेंगे जियो सिनेमा पे एक मूवी आ रही है गाली से ताली तक, जिसमें सुष्मिता सेन है, वो ट्रांसजेंडर का रोल अदा कर रही है उसके अंदर। तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है गौरी सावंत ने जो प्ले किया है उस टाइम पे जब नालसा का जजमेंट आया था 2014 में, कि हर एक जैसे कि फॉर्म में हर गवर्नमेंट ऑफिशियल आईडीज पे मेल फीमेल होता है, हर इंस्टीट्यूशन आईडीज पे, तो वहां पे एक थर्ड जेंडर हम देखेंगे, थर्ड जेंडर आता है, अदर्स आता है, या फिर आता है प्रेफर नॉट टू से। तो वो प्रावधान तब से ही आया, लेकिन संघर्ष आपका शुरू से जारी है। लेकिन संघर्ष करते टाइम आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? संघर्ष देखो हर ट्रांसजेंडर की जिंदगी में संघर्ष उसका शुरू से ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे बीइंग अ लेडी है ना, आपको भी आपकी जब शादी हो जाती है आप लोग भी आपको याद आता है वो घर जहाँ पे आप पैदा हुए, जहाँ पे आपने अपनी उम्र 15 साल 20 साल 25 साल बिताई, तो उनको भूलना कितना मुश्किल होता है। और मैं इस चीज में बहुत सौभाग्यपूर्ण हूँ कि एटलीस्ट मुझे मेरे घर वालों ने रखा, उन्होंने मुझे पैदा होते ही किन्नर समाज में नहीं दे दिया, उन्होंने मुझे रखा। पहले बहुत थैंकफुल है इस चीज, उस चीज के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि एटलीस्ट कम से कम 12th तक की मेरी अगर स्टडी जो मेरी कंटिन्यू हुई है वो बिकॉज मेरी मदर की वजह से हुई है, क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, क्योंकि मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे 3 साल की जब मैं थी। तो मैं उनकी बहुत जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा ही थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा रखा। देखिए पर उस माँ पे क्या बीतती होगी जब उसको अपने बच्चे से अलग कर दिया जाता होगा, और वो माँ मुझे पता है कहीं से कहीं तक भी मेरी माँ की गलती नहीं है, गलती है समाज की, उस समाज की जो हमें सिर्फ अपनी खुशियों में याद करता है, खुशियों की खाली 2 या 4 दिन में वो हमें भूल जाता है। आप देखेंगे आज भी अगर हमको रेंट पे कोई रूम नहीं देता है, आप किसी भी पॉश एरियाज में आप रहते हो, आपने इतने सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स देखे हैं, गवर्नमेंट उसमें सेक्टर्स में देखा है, कहीं पे भी आपने ट्रांसजेंडर्स को नहीं देखा होगा। ट्रांसजेंडर का भाई हमने माइंडसेट कर रखा है कि ट्रांसजेंडर्स मतलब ताली बजाना और बधाई बस्ती मतलब ये नाचना और गाना। तो कहीं ना कहीं मेरा जो मैं ही चाहती हूँ, ठीक है, मेरा आईडीज बनाने में भी जो मेन मेरा मोटिव रहा है, मैं अगर चाहती तो मैं ई मित्र पे जाके जैसे आप लोग नॉर्मली आईडीज बना लेते हो मैं वहां से आवेदन कर सकती थी, मेरी आईडीज बन जाती। बट मुझे ऐसा अंदर से मैंने ठाना था कि मुझे हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास जाना है, वहां पे अधिकारी से बात करनी है, उनको सेंसिटाइज करना है हमारे जेंडर के बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी के लिए भी क्वेश्चन मार्क आ जाए। किस तरह से आपने सेंसिटाइज किया? मैंने देखा कि होता क्या है ना कि वो लोग सेंसिटाइज नहीं होते, उनको ये लगता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट इनके लिए क्यों है। जैसे कि मैं लाइसेंस बनवाने गई थी, ठीक है, वहां पे हुआ कि आपको क्या नीड है लाइसेंस की, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया था आपकी समाज को लेकर, उन्होंने समाज में समानता का भाव तो दिया था लेकिन आज भी इस समाज को समाज में समानता नहीं मिली है। तो 2014 से पहले क्या बदलाव लगे आपको, और 2014 के उनके बयान देने के बाद क्या बदलाव लगे आपको, क्या लगा कि उस बयान से कोई फायदा हुआ या नुकसान हुआ? देखिए चेंजेस दो तरीके के होते हैं, एक तो जो हुए हैं और एक जो मुझे फील हुए हैं, फील एज इन हवा, इस कमरे में एसी चल रहा है, उस पहले वो बताया जो आपको फील हुआ। मुझे जो फील हुआ है, मुझे ऐसा लगा है कहीं ना कहीं लोगों ने इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया है, जो भी हमारे अधिकार हैं उन पे इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू जयपुर यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं, काउंसलर सर हैं, ठीक है, और एडमिशन कमेटी हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया और सेम डे पे इम्प्लीमेंट किया। तो वो एक चेंज जो मुझे फील हुआ है ना, कुछ एक चेंजेस हैं जो कि मुझे लगता है कि पेपर्स पे आ गए हैं बट अभी लोगों तक आना बहुत बड़ी बात है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर इंसान का जो होता है वो लाइवलीहुड पे आके अटकता है, रोटी कपड़ा और मकान, जब हमको खाली जॉब्स नहीं मिलेंगी हमारे पास यही ऑप्शन रह जाएगा, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे आगे जाके, है ना। एक और सवाल, समाज के इस दोहरेपन और दोगलेपन को लेकर आप क्या सोचती है और समाज को क्या संदेश देगी? समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए जैसे कि आप है ना सब आप जो सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, एक माँ को उसके बच्चे से अलग करने का पाप आप जो कर रहे हैं ना, आपके लिए तो कुछ एक टाइम का एंटरटेनमेंट बन जाता है कि उसके घर में ये पैदा हुआ है, लेकिन उस माँ पे सोचिए, उस माँ पे मैं आज हाथ जोड़ के उन सभी माओं से विनती करती हूँ, कभी भी अगर आपके आसपास ऐसी माँ होती है जिनके घर पे ऐसे बच्चे होते हैं तो कृपया करके आप उनको मजाक का पात्र ना बनाएं। आपको नहीं पता प्रभु की लीला कब क्या होगी और प्रभु क्या लीला रच देंगे आपके लिए भी। आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिला, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, जाहिर है बहुत खुशी की बात है,
इस खुशी को आप कैसे जाहिर करना चाहेंगे? देखिए, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इतना लंबा संघर्ष किया, संघर्ष आपका, आपकी मेहनत रंग लाई, उस मेहनत के बारे में बताएं। मेहनत बहुत सही लगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम शुरू से शुरू करते हैं तो फिर मेरा नाम आदित्य था डॉक्यूमेंट्स पे, और वहाँ पे जेंडर मेल था। फिर उसके लिए मुझे गजट नोटिफिकेशन बनवाना पड़ा, जिसका 40 दिन का प्रोसीजर रहा। फिर उसके बाद फिर मैंने आधार में चेंज करवाया, फिर आधार से पैन कार्ड से बैंक अकाउंट, फिर उसके बाद लाइसेंस बनवाया, वोटर आईडी बनवाई, फिर मैंने और भी, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है, अभी जन आधार और राशन कार्ड का भी प्रक्रिया चल रहा है, तो वो चीज में बनवा रही हूँ मैं। तो काफी लंबा प्रोसीजर रहा, बट आई एम थैंकफुल टू ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मुझे इतना संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि हर कोई बहुत वेलकमिंग था, हर कोई जानना चाह रहा था कि मतलब कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं। मैं समाज का शुक्रिया अदा करूंगी, बट मैं यही चाहूंगी कि खाली आप है ना, मतलब मेरा समाज से यही अनुरोध है, सारे जितने भी लोगों से मैं मिली उनसे भी, कि प्लीज आप नूर के बारे में तब तक नहीं मत सोचिए, और नूर जैसे कितने ट्रांसजेंडरों के लिए तब तक मत सोचिए जब तक वो आपके सामने बैठे हैं या फिजिकली आपके सामने हैं। आप उनके लिए तब भी सोचिए जब वो आपके पास से चले जाते हैं, आप उनके लिए तब भी सोचिए कि अगर समाज में कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है तो आप ऐसा एनवायरमेंट बनाइए कि एक माँ को अपना बच्चा किसी को देना ना पड़े। हमने क्योंकि एक मुहिम छेड़ी, तो आज भी हम फीमेल फेटिसाइड रोक ही रहे हैं ना, मतलब वो कन्या भ्रूण हत्या हमने कितनी रोकी है, तो क्यों ना हम इस चीज को भी आगे तक लेके जाएं, और हम लोग उस चीज को एक गर्व के साथ बोलें, बच्चा भगवान की देन है, तो वो चाहे आदमी हो, औरत हो, या सौभाग्य वाली बात है। अगर किन्नर को दे देना ही एक प्रथा होती, तो मैं आज पूछती हूँ उसी जनता से, मैं आज पूछती हूँ उसी सोसाइटी से, श्रीखंडी को क्यों नहीं दिया गया राजा द्रुपद ने? राजा, वो तो राजा थे, उनका इतनी इज्जत था, उतना मान था, उतना सम्मान था उनका, लेकिन क्यों श्रीखंडी को उन्होंने किसी को दिया नहीं? क्यों श्रीखंडी वहां पे रही, उनके साथ तक रही, और श्रीखंडी ने कितना बड़ा रोल प्ले किया हमारी माँ भारत में। एक और सवाल, डॉक्टर बनना चाहती है आप, किसी से इंस्पायर हुई है आप, या फिर आपका खुद का सपना है कि मैं डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करूं? एक्चुअली ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है लोगों के दिमाग में। डॉक्टर से मेरा मतलब था पीएचडी मैं करना चाहती हूँ। अच्छा। तो नाम से पहले डॉक्टर, आई जस्ट वांट कि मैं पीएचडी करूं, नाम अच्छा। से पहले मैं डॉक्टर लगे, तो वो एक लेकिन नहीं, वाकई में आप डॉक्टर बनना चाहती है? डॉक्टर नाम के आगे मैं चाहती हूँ, क्योंकि वो चस्का मुझे, जो शिवराज जी हैं, जैसे जो मैंने आपको बताया कि राजस्थान में पीएचडी करें ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, नहीं सिर्फ आप एक डिग्री लेना चाहती है अपने नाम के आगे, डॉक्टर जुड़वाने। हाँ जी, हाँ जी, मैं वो चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि आपके नाम के आगे, अगर एक मजाक हम कर रहे थे कि देखिए आपके अगर नाम के आगे डॉक्टर नूर शिखा जाए तो कितना अच्छा लगता है। अच्छा, और तब से मुझे, आप उस नाम से इंस्पायर हुई? नाम से इंस्पायर हुई, मुझे लगा कि ठीक है, ये अब आपके जिम्मे है, आप मुझे गाइड करो, क्योंकि मुझे आपकी जिम्मेदारी है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है मुझे फर्श से अर्श तक लेके जाने की। इतनी मुश्किलें आई, लेकिन आप डटी रही, रुकी रही, हिम्मत नहीं हारी, ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको अंदर से रोक रखा कि नहीं मैं एक दिन कर लूंगी, और आपने कर भी दिया? देखिए, ऐसा नहीं है कि अब मेरी, मतलब इसे लड़ाई का नाम नहीं दूंगी मैं, कि अब जो संघर्ष है मेरा यहीं पे आके रुकता है, ऐसा नहीं है, संघर्ष आगे तक है, जब तक एक बर्थ सर्टिफिकेट एक माँ और बाप खुद बनवाने नहीं आते अपने बच्चे का, अगर वो ट्रांसजेंडर है, जब तक उन्हें अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट्स नहीं बदलवाने पड़े उनको खुद वो अपने आप आके प्राउडली बोले जो रियल आइडेंटिटी है वो रियल ही रहे। संघर्ष मेरा तब तक रहेगा जब कोई भी ट्रांसजेंडर रियल आइडेंटिटी को छुपाया नहीं जाए, जब तक रियलिटी को छुपाया नहीं जाए, और जब मेरे लिए संघर्ष तब खत्म होगा जब यूनिवर्सिटी में कोई भी अगर ट्रांसजेंडर के एडमिशन लेती है उसे नॉर्मल ट्रीट किया जाए, उसे स्पेशल केस में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, वो मेरे लिए संघर्ष, तब मेरा संघर्ष खत्म हो जाएगा, तब मुझे लगेगा कि मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो मैं आज पाऊंगी समाज से और आज से लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थी नूर शेखावत जी, जिन्होंने कहा कि उन्होंने शुरुआत से लेकर अभी तक अपना संघर्ष जारी रखा, वो बीच में रुकी नहीं, डटी रही, लेकिन आज उनका ये जो संघर्ष है, उनकी मेहनत है, रंग लाई, क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास था कि एक ना एक दिन मैं जरूर जो चाहती हूँ, जो मैंने सोचा है, मैं उसे हासिल कर लूंगी, और वो आज मैंने हासिल कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।